ये देखिए दोस्तों, ये हमारे चेन्नई CTI कैंपस की कैंटीन है और यहाँ पास हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं, कुछ अगर बच्चे बैठे हुए हैं तो उनसे पूछते हैं यहाँ पास कैसा खाना मिलता है और क्या क्या मिलता है। ये देखिए, ये कैंपस के अंदर की कैंटीन है, ऐसी कैंटीन है हमारी। और देखिए, हमको कुछ बच्चे बैठे हुए दिख रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या क्या मिलता है और उनका टेस्ट कैसा रहता है। देखिए, कुछ हमारे यहाँ दोस्त दिख रहे हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पास इस कैंटीन में क्या क्या खाने को मिलता है। ये हमारे रितेश है, मेरा क्लासमेट है, इससे जानते हैं कि क्या क्या मिलता है। सुबह यहाँ सबसे पहले मिलेगा आपको सांभर और इडली और बड़ा बोंडा, ये सारा आइटम आपको सुबह नाश्ते के रूप में मिल जाएगा। और दोपहर में मिलेगा सादा राइस, चपाती, सब्जी, रोटी और चटनी सांभर उसके साथ भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपये पर चपाती है। और इसके बाद दोपहर में भज्जी वज्जी मिलती रहती है, चाय मिलती रहती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं शाम तक। इसके बाद 5 बजे के बाद कैंटीन बंद हो जाएगा, अभी 6 बजे तक हम लोग चाय पी के अब घर जाने की ओर, हॉस्टल जाने की ओर तैयारी में हैं। ये देखिए, हमारे रितेश ने बताया कि यहाँ पास रोटी सब्जी और भी बोंडा वोंडा सब मिल जाता है, जिससे आपको खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं कि यहाँ वेज मिलता है कि नॉन वेज मिलता है, तो हम खुद ही बच्चों से पूछेंगे कि वेज है कि नॉन वेज है। ये हमारे दीपक सर हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, यहाँ पे तो वेज ही मिलता है, नॉन वेज नहीं मिलता है। अगर किसी को नॉन वेज खाना है तो बाहर जाके खा सकता है। अच्छा सर, थैंक यू। अब हमारे ये आप सभी लोग जानते होंगे अनुराग सर हैं, इनसे जानेंगे कि खाने का टेस्ट कैसा रहता है। जैसा हम हमारे दोस्तों ने बताया कि खाने की व्यवस्था यहाँ पर बढ़िया रहती है और खाने पीने का जो स्वाद रहता है तो सेम रहता है, जैसे अपने नॉर्थ में वैसे साउथ में चलता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। बट खाने में जो मतलब जैसे अपने वहाँ कुछ डिफरेंट रहता है, बस बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखिए हम लोगों ने सभी के माध्यम से बता दिया कि कैंटीन में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या नहीं है, कैसा टेस्ट है। तो आई होप आपको ये सब वीडियो पसंद आई होगी। और हमारे आशीष सर हैं, जो आपको नए नए तरीके से किसी ना किसी तरह इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहते, वो चेन्नई CTI कैंपस आए, हम लोगों से मिले और हम लोगों से लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, लोगों को सभी बच्चों को बताते हैं। तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बस थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.